कांग्रेस सेवा दल द्वारा प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा भावानगर पहुंच गई है। हिमाचल कांग्रेस सेवा दल प्रमुख अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र के लिए शुरू की गई सद्भावना यात्रा के भावानगर में पहुंचने पर किन्नौर सेवा दल के कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। भावानगर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सद्भावना यात्रा में शामिल होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रदेश में थमी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को पुनः सत्ता में लाने के लिए सेवा दल द्वारा संकल्प लिया गया है। इसी प्रदेश के लोगों को सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करने के लिए सद्भावना यात्रा शुरू की गई है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रताप नेगी, किन्नौर कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख जयराम नेगी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एप्पल न्यूज के लिए भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। नगर में हमारी यात्रा जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा का दूसरा दिन है। हम यहाँ पहुँचे हैं और पूरी हमारी किन्नौर की सेवा दल की टीम और पीसीसी के सचिव प्रताप जी हमारे साथ में है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि पूरे हिमाचल में इस यात्रा जो है 9 सितंबर को धर्मशाला में ख़त्म होगी। इस यात्रा के उद्देश्य ये है कि हम लोग पूरे हिमाचल में 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है जयराम सरकार का, उसकी विफलताओं को जनसंपर्क अभियान के द्वारा धरातल पे लेके जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में फिर से एक विकास की जो बहार है, जो कांग्रेस के काल में छूटे विकास के कार्य जो भाजपा नहीं कर पाई है, उसको फिर से गति मिल सके। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है। सर, ये यात्रा जो आपकी कहाँ तक है सर? हम लोग यहाँ से भावानगर से होते हुए अगले कल हम काजा में रहेंगे, उसके एक दिन के बाद कैलॉन्ग, फिर मनाली से होते हुए कुल्लू से हम लोग जाएंगे मंडी से हम लोग जाएंगे बिलासपुर से हम लोग जाएंगे सोलन से नाहन से नालागढ़ से ऊना से हम लोग जाएंगे हमीरपुर से ज्वाली, देहरा होते हुए नूरपुर के द्वारा हम चंबा पहुँचेंगे और चंबा से वापस जो है धर्मशाला आकर 9 सितंबर को इसका समापन किया जाएगा। धन्यवाद सर।